मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 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 केमिस्ट्री के को एनालाइज करने पे ठीक ही था बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था लेकिन इसमें बैलेंस्ड क्वेश्चन में जैसे सी बी एस ई में क्वेश्चन बैलेंस्ड होता है ब्लू प्रिंट के अनुसार से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जिस चैप्टर में जितना वेटेज दिया जाता है उतना जो है बैलेंस्ड होता है लेकिन इस जैक के जो क्वेश्चन के पैटर्न्स इस तरह से हो गए हैं क्वेश्चन का बैलेंस जो गड़बड़ गड़बड़ा गया है किसी क्वेश्चन किसी चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया है किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया है एक या एक ही क्वेश्चन जबकि फाइव मार्क्स है उस चैप्टर में तो जैक वालों को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन बनाने वाले जो पैनल होते हैं उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन बैलेंस्ड होना चाहिए अन्यथा जो है चैप्टर देने से कोई फायदा नहीं रहा किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है किसी से कम क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है और ये जो और करके जो क्वेश्चन दिया जा रहा है जिस तरह का जो दिया जा रहा है कि 19 क्वेश्चन दिया जा रहा है और उसमें से हमको जो है 13 क्वेश्चन बनाना है बाकी क्वेश्चन को छोड़ देना है इस तरह का भी पैटर्न जो है समझ में नहीं आता है कि इस टाइप का पैटर्न जय एकेडमिक में क्यों दिया जा रहा है सीबीएसई पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं सभी लोग सी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो सी बी बहुत अच्छा बैलेंस पैटर्न होता है और उसी तरह से जैक को भी अपने क्वेश्चन को ढालना चाहिए मेरा पर्सनल व्यू ये है आपका जो राय होगा आप उसको व्यक्त कर सकते हैं लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान में देखिए ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन मिसिंग है पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग देख ले आज ऑब्जेक्टिव ही देख ले ऑब्जेक्टिव ठीक था फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग एज नॉन क्रिस्टलाइन और एम सॉलिड इसमें फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन सही है ग्लास ग्लास एमोर्फस सॉलिड है सेकंड आयनिक कंपाउंड हैज बीसीसी स्ट्रक्चर आयन एटम्स ए आर ऑक्युपाइड बीसीसी स्ट्रक्चर है बीसीसी का मतलब हुआ कि सेंटर पे एटम है और कॉर्नर पे तो ए जो ए है कॉर्नर पे है एंड बी एट बेस बॉडी सेंटर पे तो नंबर ऑफ ए आइटम्स कितने ऑप्शन so 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 सही है थर्ड क्वेश्चनिटी ऑफ सोल्यूशन कॉन्टेनिंग फाइव ग्राम मोलरिटी मोलोरिटी मास बाई मोलर मास इन टू थाउजेंड

थर्ड क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही है फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ चार्ज रिक्वायर्ड केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ वन मोल अल्मोनियम थ्री प्लस आइन हम जानते हैं ये तीन इलेक्ट्रॉन्स लेता है और तब अल्मोनियम में कन्वर्ट होता है लेकिन अगर भी हम यहाँ वन मोल का बात करेंगे तो थ्री मोल्स इलेक्ट्रॉन्स नीडेड है तो हमको वन मोल अल्मोनियम डिपोजिट मिलेगा लेकिन थ्री मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है तो थाउजेंड 96,500 तो ये मल्टीप्लाई करने पे आता है थर्ड ऑप्शन 289500 तो फिफ्थ का थर्ड ऑप्शन सही है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है तो दो ही क्वेश्चन दो क्वेश्चन हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये इसमें सेल कांस्टेंट लेंथ का हो गया सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर इन्वर्स तो सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब है फोर्थ ऑप्शन सही है तो सिक्स का ऑप्शन सही है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल इसका मतलब अगर भी इसका रेट लॉ लिखेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है और दोनों को डबल करेंगे तो ये हो जाता है टू एंड इंटू टू फोर और फोर टू जा एट टाइम्स एट आएगा इसका आंसर इसका इंक्रीज करेगा और वो सेवन का थ्री ऑप्शन सही होगा एट एट नंबर क्वेश्चन मॉलिक्लिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फर्स्ट ऑप्शन सही है फॉलोइंगरोस्ट ऑप्शन सही स्मोक द प्रोसेस ऑफ सेटिंग और कोगुलेशन में स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कुछ लोग इलेक्ट्रोफोफोरोसिस टेकआउट किए होंगे इलेक्ट्रोफोरोसिस और कोगुलेशन कोगुलेशन का एक तरीका होता है इलेक्ट्रोफोरोसिस लेकिन इलेक्ट्रोफोरोसिस में कोलाइडल पार्टिकल्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स के तरफ जाकर के जमे हो जाते हैं यानी कि वहाँ सेटलिंग होता है लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिपोजिशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का एक दूसरे इलेक्ट्रोड्स की तरफ और यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ सेटिंग यानी कि बैठ जाना कोगुलेशन इसका एग्जाम्पल आंसर होगा कोगुलेशन क्लोज ऑप्शन है कोगुलेशन और इलेक्ट्रोफोरोसिस कोगुलेशन का ही टाइप है लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है और कोलाइडल पार्टिकल्स यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम सेपरेट हो जाते हैं उस केस में और इसमें थर्ड टेंथ का थ्री ऑप्शन सही होगा कोगलेशन कभी कभी ऑप्शन को ले में के जैसा सोचना चाहिए बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है अलेवें कलमाइन इज द ऑफ जिंक जिंक और होता है कैलामाइन जड़न जिंक कार्बोनेट है और लीचिंग लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन टू थर्टीन

ये ट्राइबेसिक है एच थ्री पी फोर ट्राइबेसिक है एच थ्री पीओ थ्री एच थ्री थ्री का इस तरह का हुआजन दो एच थ्री वन टू थ्री एच थ्री पी ओ थ्री इसमें बेसिस ड्राइबेसिक है एच थ्री पीओ टू वो मोनोबेसिक है और एच थ्री भी मोनो बेसिक है तो ट्राइबेसिक है फोर्थ सिक्सटीन का सेवनटीन 17 में डायमैग्नेटिक कौन है तो Zn2+ फोर्थ ऑप्शन सही है यह आसान क्वेश्चन था 18 Zn2+ 9 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए डायमैग्नेटिक है कलर ट्रांजिशन एलिमेंट का डीडी -डी ट्रांजिशन के लिए होता है डीडी -डी ट्रांजिशन के कारण होता है ये हम लोग तो जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन सही है 19th 19th MB डेंटेड लिगेंड कौन है साइनाइड मैं कार्बन साइड से भी नाइट्रो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकता है ये लेकिन नाइट्रोजन साइड से भी कर सकता है इसलिए इसको एमबीडेंडेड लिया करते हैं ये हुआ। तो नाइनटीन का टू ऑप्शन सही है ट्वेंटी ट्वेंटी तो सीधे सीधे फिंकल स्टीन रिएक्शन है अल्काइड सोडियम ऑफ स्टोन रिएक्शन दिया हुआ है फिंकल ट्वेंटी वन ट्वेंटी तो ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन एस एन टू एस एन टू रिएक्शन फास्ट होता है वन डिग्री में क्योंकि एस एन टू रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेज होता है बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग दोनों होता है एक साथ जिस कारण से वहां फास्ट होता है यदि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो ऐसे केस में एस एन टू नहीं होगा एस एन टू में क्या होता है न्यूक्लियोफाइल फाइल यहाँ पे अटैक भी करता है और जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है आउट गोइंग न्यूक्लियो ये जा भी रहा होता है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल इससे बॉन्ड बना भी रहा होता है तो ये ट्रांजिशन स्टेज है लेकिन इसके लिए स्टेरिक हिंडस कम होना चाहिए भीड़ भाड़ की स्थिति कम होनी चाहिए यदि ये ह्यूज ग्रुप रहेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा न्यूक्लियोफाइल्स को यहाँ से अटैक करने में प्रॉब्लम होगा तो ये बताएगा कि पहले आप टूट जाइए तब हम लोग आते हैं तो टूट जाइए तब आते हैं का मतलब ऐसा वन वो दो स्टेप में होता है पहले कार्बोकाइड बनता है देन अटैक अब न्यूक्लियोफाइल होता है लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है एस एन टू क्या है एस एन टू के लिए जितना छोटा मतलब डिग्री इसका कम होगा और इसका मतलब वन डिग्री अल्काइल हैलाइड में एस एन टू रिएक्शन फास्ट होगा तो वन डिग्री अल्काइल हैलाइड वन ब्रोमो पेंटेन वन डिग्री है यही ऑप्शन सही है लेकिन दूसरा क्यों गलत है टू ब्रोमो पेंटेन वो टू डिग्री है थ्री ब्रोमो पेंटेन भी टू डिग्री है और टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन ये थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड तो इसमें होगा नहीं तो वन डिग्री अल्काइल हैलाइड में ही एसन टू रिएक्शन फास्ट होता है ये ऑप्शन सही है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में आई पी सी ने मिथॉक्सी इथेन है इसका थ्री ऑप्शन सही है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर एच टू एस प्रोटीन सी एच थ्री है सी एच है डबल बॉन्ड है सी एच टू है इसका हाइड्रेशन करेंगे तो एच प्लस और ओ एच माइनस तो माइकोनिको फोल कल होगा हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ओ OH एच माइनस यहाँ आएगा तो इसके इसमें ये यह प्रोपेन टूएल्व बना देगा तो प्रोपेन टूएल्व इसका सेकेंड ऑप्शन सही हुआ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ऑप्शन में एसीटल डिहाइड ये तो क्लिमिशन रिडक्शन का एग्जाम्पल है एसीटल डिहाइड एसिटल डिहाइड इसको कहा जाता है सी एस थ्री सी एच यू और इसको अमलगमिटेड जिंक एंड कॉन् एच सी एल यानी कि क्लिमिंसन रिडक्शन है तो ये अल्किन बना देगा सी एस थ्री सी एस थ्री दैट इज इथेन इसका सेकेंड ऑप्शन सही हुआ ट्वेंटी फोर का ट्वेंटी फाइव अब ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन टॉलेंस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को ही टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं सेकंड है, सेकंड ऑप्शन सही हो गया ट्वेंटी सिक्स ऑक्सीडाइज अगर यदि करता है तो बेंजो की सेकंड देगा सही है ट्वेंटी सेवन वेन एसिटामाइड इज हीटेड विथ एन एक्वस सोलूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इज ये हॉपोसोमाइट रिएक्शन है और इसमें एसिटामाइड एसिटामाइड का मतलब हुआ सी एच थ्री सी ओ एन एच टू इसका रिएक्शन अगर यदि करते हैं एन एच से डायलूट एनएच और बी आर टू है वैसे कि इसमें एक कार्बन कम करके एमाइन बनाता है यानी कि ये मिथना अमाइन बना देगा और सोडियम कार्बोनेट अल... सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा एन एच टू सी ओ थ्री अलग हो जाएगा और एच टू अलग हो जाएगा और साथ ही साथ में एन भी, भी हो जाएगा ये तो मेन हमको ये देखना है कि ये क्या है तो ये मिथनामीन है तो एसिटामाइड इथनामीन देता है तो ट्वेंटी सेवेंथ का मिथनामाइन फर्स्ट ऑप्शन सही है ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट में फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमीन्स फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी अमीन्स प्राइमरी अमीन्स किसको कहेंगे यहां नाइट्रोजन का बैलेंस इतरी होता है तो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में देखेंगे नाइट्रोजन अगर ये कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको प्राइमरी अमीन कहेंगे और दो वैलेंसी है इसका हाइड्रोजन पूरा करेगा तो यही है प्राइमरी अमीन का एन टू तो अट्ठाईस का हो गया सेकंड ऑप्शन सही उनतीस उनतीस ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन प्रोटीन प्रोटीन में पेप्टाइड कौन होता है थर्टी नंबर क्वेश्चन

न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में एसिड में होता है तो सीधे सीधे प्रोटीन में पेप्टाइड होता है, एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बन होता है और कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोक्साइड लिंकेज होता है तो ये अच्छा क्वेश्चन था बेसिक क्वेश्चन है विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए एन यूरासिल थर्ड ऑप्शन सही है इकतीस नंबर क्वेश्चन रिकेट्स विटामिन डी के कमी से होता है इसमें विटामिन डी फोर्थ तो ऑप्शन सही है थर्टी टू क्या प्रोलक्ट है सिक्स उसका मनोमर है थर्टी थ्री एलिमेंट विच इज एडेड एज रॉ मटेरियल्स टू इम्प्रूव इट्स फिजिकल नेचर फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स विच आर एडेड टू रॉ रावर रॉ इंप्रूव मतलब रबर में हम कौन से एलिमेंट्स को डालें ताकि उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हम लोग पढ़े हुए हैं वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ रबर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इसके इसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाता है रबर का जो लॉन्ग चेन है वो उसके बीच में सल्फर और सल्फर बॉन्ड बन जाता है जिसके कारण इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है सल्फर बॉन्ड आ जाता है ये दोनों के बीच में सल्फाइड बॉन्ड आ जाता है तो सल्फर के ही प्रेजेंस में ही ये होता है ये सीधे सीधे क्वेश्चन है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर से टू हो गया थर्टी फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज डिस इसमें फिनॉल फिनॉल का प्रॉपर्टी डिस इनफेक्टेंट होता है वन परसेंट अगर दे रहा तो ये डिस इनफेक्टेंट होता है लेकिन एंटीसेप्टिक पॉइंट टू परसेंट अगर दे रहा तो ये एंटीसेप्टिक हो जाएगा तो यहां क्वेश्चन जो दिया हुआ है जैसे कि यहाँ दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज डिस इनफेक्टेंट डिस इनफेक्टेंट तो डिसफेक्टेंट में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्वेश्चन में कि डिस दिया हुआ है तो डिसइनफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक किसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक किसको बोलते हैं जिसमें हम स्किन पे लगा सकते हैं और उसका स्ट्रेंथ कम होना चाहिए फिनॉल का दोनों यूज होता है फिनॉल का स्ट्रेंथ अगर भी कम होगा तभी हम जो है अपने स्किन पे लिविंग टिश्यू पे लगा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिक को हटाने के लिए उसके डेवलपमेंट को रोकने के लिए और अगर यदि हम फर्श को साफ कर रहे हैं या कैंची वगैरह साफ़ कर रहे हैं या कोई भी मटेरियल्स जो कि जिसमें माइक्रोन हम चाहते हैं कि ना डेवलप करें तो उसको हम कहते हैं नॉन लिविंग टिश्यू पे नॉन लिविंग मटेरियल्स पे यूज करने वाले को डिसइंफेक्टेंट कहते हैं और लिविंग पे एंटीसेप्टिक कहते हैं तो फिनोल का दोनों काम होता है लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे ये डिसइंफेक्टेंट होता है और लो कंसंट्रेशन पे एंटीसेप्टिक होता है तो यहाँ स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज थे लेकिन ले मिन के जैसा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को समझ करके जो है थर्टी टू का थर्टी फोर का टू कर दीजिए और लास्ट है बार्बीचुरिक एसिड ये ट्रैंक्लाइजर है बार्बिक्यूरिक एसिड ट्रैंकुलाइजर का काम करता है ट्रैंकुलाइजर का काम करता है तो बायोमोलिक्स से और केमिस्ट्री नेवर्ड लाइफ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है और ऑरनिक केमिस्ट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन दो नंबर का मात्र पूछा है और उसमें क्वेश्चन तीन नंबर का जो मिसिंग है जबकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन दिया जा रहा है तो क्वेश्चन को बैलेंस करके देना चाहिए जो ब्लू प्रिंट है जो दिया जाता है ब्लू प्रिंट उसको फॉलो करते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व बनाना चाहिए लेकिन थोड़ा हम लोग से मिस हो जाता है और सी बी क्वेश्चन देखिएगा बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में रहता है तो हम लोग सी के पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन होता है नकल के लिए थोड़ा अकल होना चाहिए जब क्वेश्चन बना दिए तो बना दिए देख लिए और देखना चाहिए था कि क्या क्वेश्चन बैलेंस्ड है कि नहीं है ये क्रिटिक नहीं है लेकिन हम झारखंड के हैं हमको जो है समझ में आता है कि कहाँ फॉल्ट है कहाँ फॉल्ट नहीं है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए सुझाव भी मांगना चाहिए जैक को कि क्या इसमें कोई सुझाव है कि नहीं है तो सुझाव किसी का लेते नहीं है या स्टूडेंट्स का पैनल भी बनना चाहिए कि सुझाव स्टूडेंट क्या देना चाहते हैं अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हो चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए होता है इस बार तो कम से कम ये अच्छा काम हुआ कि सेट पाँच सेट पहले जो है जैक जारी कर देती थी और उसमें से सब क्वेश्चन जो है उसी से आता था जो लेवल जो है जैक का कम हो गया था लेकिन इस बार तो बहुत अच्छा हुआ कि क्वेश्चन कम से कम यूनिक डाला गया वो इधर उधर का क्वेश्चन नहीं था ये अलग अलग मतलब क्वेश्चन दिया गया है जो कि कहीं सेट वगैरह में कम्प्लीटली उस तरह से नहीं है तो जैक का क्वेश्चन का इस बार लेवल थोड़ा बहुत अच्छा हुआ आ, पिछले बार तो बहुत खराब लेवल हो गया था क्योंकि कोरोना काल था उसमें सहानुभूति जो है दिखाना था इसको भी हम लोग समझते हैं जैक का स्टैंडर्ड वैसे हाई था लेकिन धीरे धीरे जैक का स्टैंडर्ड धीरे धीरे लो होते चला गया और अगर हम सी को फॉलो करते हैं तो सी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है और वही सब क्वेश्चन जो है कंपिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो